मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के स्टेट में गोरखपुर के शहर में ये कॉलेज है। इस कॉलेज के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, कोर्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू अपने कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो उससे पहले इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये फ्रंट पेज है इस कॉलेज का, होम पेज, यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, इस कॉलेज के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये टॉप कॉलेजों में भी आता है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ अबाउट में देख लीजिए लिखा हुआ है इसके बारे में, जो सारी चीज़ें आपको जाननी है। यहाँ पे कोर्स के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन आइए हम आगे आपको वो कोर्स सारा दिखाते हैं, वो कौन कौन सा कोर्स है। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि वो जो कोर्स है वो किस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये बीटेक दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, वो सारा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक, यहाँ पे बीटेक दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो इसमें। उसी तरह से इसमें और भी कई सारा दिया हुआ है, बीबीए दिया हुआ है, बीटेक दिया हुआ है, बी फार्मा दिया हुआ है। और ये जो कोर्स है बीटेक, बीबीए, बीटेक, बी फार्मा और बी फार्मा लेटरल। बीटेक आपको जेई मेंस से मिलता है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, और बीटेक सेकेंड ईयर जो लेटरल एंट्री होती है वो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगा, और बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही, और सेकेंड ईयर में भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपको ये मिलने वाला है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी जो MBA, MCA और MSc की एलिजिबिलिटी है वो क्या है। इसमें भी दिया हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही इस PG कोर्स में आपको एडमिशन मिलने वाला है, और इसका जो फॉर्म है अभी आया नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कमिंग सून, तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे MBA, MCA और MSc ये आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम PG कोर्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है MTech, MTech में आपका एडमिशन होता है गेट के थ्रू, गेट की जो स्कोर बनेगी, गेट का जो रैंक होगा उसी के थ्रू आपका इसमें एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे MTech दिया हुआ है MAT, MTech एंड PhD यहाँ पे MAT के थ्रू दिया हुआ है। तो ये रहा एंट्रेंस एग्ज़ाम की, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है वो रही। अब देखते हैं इसके फीस के बारे में। अब इसके फीस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इसका फीस दिया हुआ है बीटेक के लिए, बीटेक का जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस लग रहा है इसमें वो 56,200 इसकी फीस लग रही है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ट्यूशन फीस है, रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस है, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस है। केवल ये तीन फीस मिला के 56,200 ये फर्स्ट सेमेस्टर की है। इसके अलावा आपको और क्या क्या देना होगा, एग्जामिनेशन चार्ज है 6,200, यूज़र चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे 20,900। इसमें आप एक एक करके देख सकते हैं कि यूज़र चार्ज में क्या क्या आता है। इसके अलावा अदर चार्ज में दिया हुआ है 6,700। और अगर आप हॉस्टल भी लेते हो तो आपका जो टोटल फीस एक सेमेस्टर का पड़ता है वो 1,10,000 पड़ता है, और अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपका 90,000 पड़ेगा। और ये रही फर्स्ट सेमेस्टर की, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे दिया हुआ है फीस जो लग रही है वो 96,600 लग रही है, जो हॉस्टल लिया है उसके लिए। आप अगर हॉस्टल नहीं लेते हैं तो हॉस्टल को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं बीटेक लेटरल एंट्री, जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी वही सारी चीज़ें हैं, वही फीस उनके लिए भी लग रही है। अब आगे देखते हैं, और
और ये जो आप फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बीबीए का भी फीस दिया हुआ है जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का है। विस हॉस्टल के साथ हम बताते हैं, आप हॉस्टल अगर नहीं लेना चाहते तो उसको एक्सक्लूड कर लीजिएगा। यहाँ पे बिना हॉस्टल के 75,000 दिया हुआ है और हॉस्टल के साथ 95,000 और थर्ड सेमेस्टर में 81,600 दिया हुआ है। इसी तरह आगे देखते हैं बी फार्मा के लिए इसकी फ़ीस क्या होने वाली है। यहाँ पे एक साल का फीस दिया हुआ है, हम टोटल हॉस्टल के साथ बताते हैं। बिना हॉस्टल के यहाँ पे लिखा हुआ है 1,10,000 के आसपास लगने वाली है और हॉस्टल के साथ 1,30,000 आपकी लग रही है। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 1,16,600, थर्ड ईयर में 1,16,600, फाइनल ईयर में भी 1,16,600 ये फीस आपकी लगने वाली है। अब इसके अलावा और देखते हैं, यहाँ पे एमएससी की फ़ीस दी हुई है फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की। आइए हॉस्टल चार्ज के साथ देखते हैं। हॉस्टल चार्ज के साथ 71,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में 58,600 दिया हुआ है। इसी तरह से एमबीए की फ़ीस यहाँ पे दी हुई है, एमबीए का फर्स्ट ईयर, अब फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बारे में दिखाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 1,15,000 हॉस्टल के साथ, 1,01,600 ये थर्ड सेमेस्टर की दी हुई है। ये हॉस्टल के साथ फीस है, आप हॉस्टल के बिना यहाँ पे देख सकते हैं 95,000 दिया हुआ है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे एमसीए का भी फीस दिया हुआ है, एमसीए का फीस हॉस्टल के साथ दिया हुआ है 85,000। और इसी तरह आगे देखते हैं एमटेक की जो फीस लगने वाली है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की। एमटेक की फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर की हॉस्टल के साथ 95,000 और थर्ड सेमेस्टर की 81,600 ये सेमेस्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है फीस। और इसके अलावा और कौन सा फीस है, पीएचडी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिर। तो फर्स्ट सेमेस्टर हॉस्टल के साथ आपका 80,000, थर्ड सेमेस्टर 66,600 और 66,600 पाँचवें सेमेस्टर की, ये इस तरह की फीस इसमें लग रही है। तो आप इस पीडीएफ के थ्रू देख सकते हैं कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस कोर्स की फीस क्या होने वाली है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम के चैनल में दे देंगे, वहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।